हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं पेंसिल स्केच गैलरी। आज का ये वीडियो मेरा पहला फेस कैमरा वीडियो है, तो आई होप आप सभी को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे कैरी मिनाटी का फेस, फनी फेस, थोड़ा स्माइली फेस, जो कि कुछ इस तरीके से है। और इसको मैंने पहले से ही आउटलाइन वगैरह करके रख दी है। तो आज हम इसको ड्रॉ करेंगे चारकोल पेंसिल से, जो कि ब्रुष्टो की तरफ से आती है चारकोल पेंसिल। ये चारकोल पेंसिल नहीं, ये कंप्रेस्ड चारकोल पेंसिल है, देख सकते हैं आप, ये कंप्रेस चारकोल पेंसिल। ये साधारण पेंसिल से थोड़ी अलग होती है। इस पेंसिल में तीन तरीके के ग्रेड आते हैं, दो मीडियम, एक हार्ड और बाकी तीन सॉफ्ट। तीन तरीके की चारकोल आती है, टोटल छः मिलती है, छः पीस इसमें। आप देख सकते हैं ये कंप्रेस चारकोल है, जो कि ब्रुष्टो की तरफ से आती है, आप देख सकते हैं ये। तो आज हम इसी की मदद से कैरी मिनाटी का फेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इन चार कंप्रेस चारकोल के बारे में बता देता हूँ। इसमें ये दो मीडियम चारकोल होती हैं। मीडियम मतलब ना ज़्यादा हार्ड रहेंगी ना ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, ये मीडियम चारकोल रहती हैं। हार्ड चारकोल होती है, हार्ड कंप्रेस चारकोल। ये आँख वगैरह ड्रॉ करने में मदद आती है, आँख और चेहरे की छोटी छोटी डिटेलिंग ड्रॉ करने के यूज़ में आती है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये तीन सॉफ्ट चारकोल आती है, सॉफ्ट जो कि जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरिया करना रहता है, जैसे हेयर में, बियर्ड वगैरह में, आँखों के बीच में, उधर पे ये सॉफ्ट चारकोल यूज़ आएंगे। इधर हम सबसे पहले आँखों को ड्रॉ करेंगे। आँखों को ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे हार्ड वाली चारकोल का, ये रही हार्ड चारकोल। अब हम इससे आँखों को ड्रॉ करेंगे, इससे आँखों में आउटलाइन वगैरह में बढ़िया यूज़ में आएगी। तो इसकी निप कुछ इस तरीके से रहेगी, ये आपको पूरी कंप्रेस चारकोल मिलेगी। इसमें कोई चारकोल लेड और फिर ऊपर से लकड़ी होगा, वो शेड कुछ नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट निप रहेगी पूरी। ये आप देख रहे हैं पूरी ऊपर से पॉलीथीन का लेयर चढ़ी है, बाकी ये अंदर चारकोल है, ब्लैक चारकोल। इससे अब हम इसकी आँखों को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम राइट आई को स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना, तो आराम से। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने हार्ड चारकोल से थोड़ा आँखों को हल्की फुल्की शेडिंग दे दिया है। इसी तरीके से लेफ्ट आई को भी शेड देंगे हल्का फुल्का। आप देख सकते हैं मैंने राइट आई में शेडिंग वगैरह भी कर दिया है। अभी इसमें ब्लेंडिंग करना बाकी है, जो ब्लेंडिंग अपन लास्ट में करेंगे जब जो पूरा फेस ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे। अभी के फ़िलहाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि मैंने काफ़ी हल्के हाथों से किया है, उसके बाद भी ये इतना डार्क दिख रहा है। अब इसी तरीके से हम लेफ्ट वाली आई में भी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लेफ़्ट आई को भी कुछ शेडिंग कर दिया है। ये पार्ट मैंने इसलिए
छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है इस चेहरे में, जैसे एक तरफ से लाइट पड़ती है एक तरफ शेडो रहता है उस तरीके से इस तरफ लाइट पड़ रही, तो इस तरफ को मैंने छोड़ दिया है। इसको ब्लेंडिंग जब करेंगे तो ये उस चीज़ में ये कवर हो जाएगा। अब हम आई के इन दोनों पार्ट को ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे नोज़ की यहाँ पे हल्की हल्की सी शेडिंग जाती है और शेड आता है यहाँ पे। अब हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी नोज़ को ड्रॉ करेंगे। अब हम सारे फेस को, आईज और नोज़, हर पूरे फेस को हम हार्ड चारकोल की मदद से ही शेड करेंगे। मीडियम और सॉफ्ट चारकोल से हेयर वगैरह को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फेस में ज़्यादा डिटेलिंग रहती है, इस वजह से हार्ड चारकोल का ही यूज़ करेंगे जो डिटेलिंग करने में हेल्प करेगी। शेडिंग वगैरह कर दी है, अब बारी है इसमें ब्लेंडिंग करने की। तो अब मैं इसमें ब्लेंड करूँगा, सिंपली अब मैं इसमें ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज़ करूँगा, ब्लेंडिंग ब्रश का। इससे मैं ब्लेंड करूँगा पूरे चेहरे में कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ब्लेंड करने से इसमें स्मूदनेस आ जाएगी पूरे इसमें, देखिए कुछ इस तरीके से। ब्लेंड करते समय हम ज़्यादा इसमें प्रेशर यूज़ नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि ये चारकोल है, चारकोल ऑटोमेटिक पूरे पेपर में फैल जाता है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करेंगे। हल्के हल्के हाथों से जिस तरीके से शेडिंग किया है उसी तरीके से ब्लेंड करेंगे। चारकोल से इसके चश्मे को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। चश्मे वगैरह में सब जगह ब्लेंडिंग और शेडिंग दोनों कर ली है। अब बारी आती है दोनों आईब्रोज को ड्रॉ करने की, तो इसमें हम सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करेंगे। सॉफ्ट चारकोल थोड़ी सी डार्क होगी और हेयर को, एक एक हेयर को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आईब्रोज और जो बाकी पूरे हेयर वगैरह, बियर्ड हेयर, आईब्रो, हर चीज़ को अब हम सॉफ्ट चारकोल की मदद से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने सॉफ्ट चारकोल की मदद से हेयर को ड्रॉ कर दिया है। अब इस पर सिंपली हम बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग ब्रश से कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, इसमें थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। चारकोल की मदद से ड्रॉ कर दिया है, जो कि कुछ एकदम रियल हेयर की तरह लग रहे हैं। अब सॉफ्ट चारकोल की मदद से मैं हेयर को भी ड्रॉ करूँगा। हेयर को भी ड्रॉ करने की सिंपल मेथड, बस मैं हेयर की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगाते जाऊँगा कुछ इस तरीके से।
चारकोल की मदद से यहाँ पर हेयर ड्रॉ कर दिया है, जो कि काफ़ी नेचुरल हेयर लग रहे हैं, एकदम डार्क ब्लैक। आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अब हम फाइनल फ़ोटो को पूरा करते हैं, ये गले वाला पार्ट और उसकी टी शर्ट ड्रॉ करते हैं। इसको भी हम मीडियम चारकोल से और सॉफ्ट चारकोल से ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने कैरी मिनाटी का स्केच ड्रॉ करके कंप्लीट कर दिया है, जो कि हमने कंप्रेस चारकोल की मदद से ही पूरे स्केच को ड्रॉ कर डाला है। आप बताइएगा कि आपको ये स्केच कैसा लग रहा है। ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं ऑन फेस कैमरा और आपको डिटेल में बताते हुए पूरा स्केच ड्रॉ किया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके का और वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए भी कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।